हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों, जैसा कि अभी हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो अब जो है इस वाले बैच में जो कुछ स्टूडेंट जो है हमारे काफी दूर से आए हैं और कुछ जो है यहाँ के लोकल के भी हैं, तो मैं जो हूँ आज आपका एक एक करके इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और इस बैच में सबसे एक हमारी स्पेशल जो बात है कि आज हमारे बीच में बहुत ही सीनियर मोस्ट पर्सन खड़े हैं। अंकल जी का काफी बहुत ही बड़ा तजुर्बा है, काफी लंबा एक्सपीरियंस है और अंकल जी यहाँ पे सीखने के लिए प्रॉपर काफी मतलब बड़े हैं, इन्हें काफी नॉलेज है इस लाइन की, बट स्पेशल केवल एक मशीन सीखना चाहते हैं, सीएनसी मशीन के बारे में। बाकी इन्हें कन्वेंशन मशीन्स के बारे में काफी डेप्थ में नॉलेज है। तो अंकल जी यहाँ सीखने आए हैं और हमें काफी कुछ सिखाते भी हैं। और अंकल जी ये प्लानिंग करके आए हैं कि यहाँ से सीख के जो है अंकल कैनेडा में जाके अपना बिजनेस सेटल करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या है, नॉलेज लेने के लिए यहाँ पे आए हैं और फरीदाबाद से आ रहे हैं। तो अब अंकल जी से जानेंगे कि यहाँ पे अंकल जी जो आए हैं तो अंकल जी क्या सोच के आए थे और यहाँ पे आने के बाद अंकल जी कैसा महसूस कर रहे हैं, तो अंकल जी से जानते हैं, अंकल जी बताएंगे अपने। मैं पिछले कुछ टाइम से YouTube पर बहुत फॉलो कर रहा था, उसमें मुझे अमेरिकन्स कैनेडियंस वगैरह मिले, लेकिन जो मैंने यादव जी में देखा वो मैं नहीं रोक सका। फौरन टेलीफोन किया, इनसे मुलाकात हुई, बात हुई और मैंने अपने आप को एंटर करवाया इनके लिस्ट में। और मैं बहुत खुश हूँ आज तक जो कुछ हो रहा है, और आशा करता हूँ कि इस शॉर्ट पीरियड में मैं बहुत कुछ सीख सकूँ और अब मुझे इसी चीज़ों की मेरे अपने काम में मदद मिलेगी। अंकल जी एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे सीखने के बाद अंकल जी का जो अपना बिजनेस सेटअप करना है इन्हें, ये कनाडा जाएंगे यहाँ से यहाँ पे सीखने के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि इतने सीनियर, इतने इस एज में अंकल इतने दूर से फरीदाबाद से डेली अप एंड डाउन करते हैं, यहाँ पे मेट्रो से आते हैं, फिर मेट्रो से यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी ऑटो करते हैं, तो काफी लंबा सफर होता है। तो इस चीज के लिए अंकल जी का जो डेडिकेशन है, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। तो अंकल जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं यहाँ पे और काफी कुछ सीख भी रहे हैं, क्यों अंकल? श्योर, बहुत 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 बढ़िया चल रहा है यहाँ श्योर, पे, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। बिल्कुल। जी अंकल, आप इधर आइए। जी हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम आशीष कुमार यादव है, मैं जौनपुर से हूँ और सर के पास मैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और सर बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत बेसिक नॉलेज देते हैं और बहुत अच्छा लगता है, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आपने क्वालिफिकेशन बता दी। सर मैं बीटेक किया हूँ पीपल्स यूनिवर्सिटी भोपाल से, मध्य प्रदेश। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे आप तो पीजी में भी फैसिलिटी आप ले रहे हैं, आप तो हॉस्टल में रुके हुए हैं ना, जी सर। तो हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है? हॉस्टल की फैसिलिटी 1 मंथ के लिए उसे सही है, एक मतलब नॉर्मल इंसान के लिए ठीक ही है, उतना वीआईपी भी नहीं है और मिडिल क्लास की है हॉस्टल है। आप कोई भी रह सकता है, 1 महीने के लिए पढ़ाई कर सकता है, अच्छे से व्यवस्था है। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम ताहिर है और मैं यूपी आगरा से बिलोंग करता हूँ। और मैंने मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है ऑटोमोबाइल से। और मैंने सर को सीएनसी मतलब यूट्यूब पर फॉलो किया था, और मैंने देखा था कि सर की कुछ प्रोग्रामिंग भी देखी थी मैंने। तो उसके बाद सर की मुझे प्रोग्रामिंग मतलब देखने में काफ़ी अच्छी लगी, और नॉलेज वाली चीज़ मुझे दिखी, तो मैं सर के पास फिर मैं सीखने के लिए आ गया। तो अभी प्रेजेंट में सर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं मुझे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नितेश कुमार त्यागी है, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। मैंने यूट्यूब के जरिए सीएनसी बेसिक को देखा और उसको फॉलो किया। फिर मैंने संतोष यादव जी से कांटेक्ट किया और यहाँ पर आकर मैंने सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखी, और सीखने को बहुत कुछ मिला और मेरे को भी अच्छा लगा। और यहाँ पे त्यागी जी प्रैक्टिकल करने को दोनों मशीनें मिली आपको, प्रैक्टिकल करने को मिला यहाँ पे, हाँ जी आपने अपने हाथ से प्रैक्टिकल किया। जी मैंने प्रैक्टिकल किया, और मैंने एक मेल फीमेल पीस भी बनाया जिसमें थ्रेडिंग डाली थी, और दोनों की जो थ्रेड मैच कराई एक दूसरे से सेंटर टू सेंटर टेरेट के जरिए कराया था। और इसमें सीएनसी मशीन पे हम रोड वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, और मेरे को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। मेरे को सपोर्ट भी मिली दोस्तों की भी, सर की भी, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू त्यागी जी, थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा संजीव यादव है, मैं गौतम बुद्ध छपरौला से बिलोंग करता हूँ।
और मैं सर को करीबन 8 महीने से यूट्यूब पे फॉलो कर रहा था और सर की यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था। मैं करंट में CNC टर्निंग मशीन को ऑपरेटिंग करता हूँ नोएडा सेक्टर 2 में। तो जब मैं सर को यूट्यूब पे फॉलो किया था तो मैं उनकी सारी वीडियो देखा करता था। वहाँ से मुझे पता लगा कि यूट्यूब पे सारी चीज़ क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो सर के पास जाते हैं, सर से मिलते हैं और तब अपनी सारी चीज़ क्लियर करते हैं। मैं सर के पास आया, सर ने मुझे एंटर किया अपने कोचिंग में और मैं सर के पास अभी कोचिंग ले रहा हूँ करंट में। थैंक यू। चलिए, थैंक यू यादव जी, थैंक यू सो मच। अब आप इधर आइए, आप इधर आ जाइए अंकल, आप इधर आइए, आराम से खड़े हुए आप। हेलो गाइज, मेरा नाम नासिर और मैं गजरौला से बिलोंग करता हूँ और मैं जो है डिप्लोमा किया हूँ पॉलिटेक्निक श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से। और मैं जो सर को 3 मंथ से फॉलो कर रहा था बेसिक CNC और मैं बहुत अच्छे से नॉलेज दे रहा था, बट मेरे को जो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं सर के पास आया और सर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत अच्छा सिखाया है मुझे। आप यहाँ पे हॉस्टल में स्टे किया हुआ है, आपने यहाँ पे पीजी में रुके हुए हैं जी सर, तो पीजी की कैसी फैसिलिटी है? आप बहुत बेस्ट फैसिलिटी है और इतनी VIP भी नहीं है, बट नॉर्मल है, आदमी स्टे कर सकता है, 1 मंथ 2 मंथ स्टे अच्छे से कर सकता है। यहाँ पे देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को यहाँ पे कुछ सिखा गया, कुछ बता दिया हम कर रहे हैं। जो बच्चे हैं वो अपना जो खुद का जो उनका एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो चार्जेस हम पीजी के लेते हैं, तो पीजी में सिंपली क्या आपको स्टे करने को मिलता है, ठीक है ना, स्टे करने को मिला आपको, खाने का 3 टाइम का मिलता है। बाकी आप ये बताइए, जहाँ आपको हॉस्टल है वहाँ के आसपास सराउंडिंग में हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है? जी हर तरीके की, शॉप्स वगैरह प्रॉपर है, सब शॉप्स हैं, मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे पूरी है, हर चीज वहाँ पे अवेलेबल है, हर चीज की सुविधा है ना। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड। चलिए आइए, इधर आइए आप। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ और मैंने यहाँ पर सर का यूट्यूब पर कई वीडियो देखी, मुझे अच्छा लगा CNC में, और देखने के बाद मैंने सर को कॉल किया, कांटेक्ट किया, सर से मेरी बात हुई, सर ने एड्रेस दिया गाजियाबाद का, गाजियाबाद में रहता था, और मैंने फिर सर के पास यहाँ पर आया, अपने आप को सर के एंटर किया, क्योंकि मुझे लगा कि गाजियाबाद में रहते हुए मेरी ये CNC नहीं सीख पाऊँगा तो फिर मैं कब सीख पाऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सर के पास यहीं CNC सीख रहा हूँ और ड्यूटी भी करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए आपके पास 2 CNC मशीन है। हाँ। और दोनों का फानुक कंट्रोल है जी सर, और इस समय आपको पता है कि मार्केट में 85% जो आपका हाँ। जो मार्केट है सब जगह फानुक है जी जी, है ना। तो यहाँ पे आपकी एक अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, प्रैक्टिकल करने को बहुत अच्छा मिल रहा है, प्रैक्टिकल मिल रहा है यहाँ पर, बहुत काफी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर सीख कर CNC। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। परविंदर जी आप आइए, परमजीत जी आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मुझे अच्छा लगा। आप पंजाब से आए हो ना जी सर? पंजाब से ये आए हुए हैं, पंजाब से बहुत बच्चे यहाँ पे आते हुए घबराते हैं कि पंजाब से बहुत दूर पड़ेगा, तो ये पंजाब से आए, आप ध्यान से सुनिए, ये पंजाब से आए हैं, इन्हें यूट्यूब पे काफी टाइम से फॉलो अप कर रहे हैं ये, तो इन्हें ऐसा क्या खासियत लगा जो इतने दूर से यहाँ पे आए हैं? मैम ने यूट्यूब देखा था, उसमें काफी आगे फॉलोवर थे, उसके बाद हमारे कुछ जानकार ने उन्होंने बताया कि वहाँ जाइए, तो हम यहाँ आके देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने सरल तरीके समझाया हमें जी जी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए जो है आपको जो ट्रेनिंग में है, प्रैक्टिकल मशीनें मिली है ट्रेनिंग के लिए? जी मिली है। कोई समस्या है यहाँ पे? कोई नहीं आई। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच। आइए यादव जी आए हैं, हमारे यादव जी आइए। मैं सौरभ यादव, स्टेट UP, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा और टाउन सिटी गजरौला। मैं फरीदाबाद में जॉब करता हूँ, CNC लाइन में 3 साल से हूँ और 2018 से सर को फॉलो कर रहा हूँ। दुख की बात यह है कि मैं सर के फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था, पर अपने प्लेटफॉर्म से कहीं आउट और टच में ना रहने के कारण आज 2021 में मैं आ रहा हूँ। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है, यहाँ पे PG में है हम उस टाइम, और PG की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, खाने से लेकर मेडिसिन से सब चीज़ तक की। और सबसे मेन बात यह है, अगर यहाँ पे थ्योरी चल रही है हमारी और थ्योरी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हैंड टू हैंड डाउट क्लियर हो जाता है मशीन पर आने के बाद। जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है वो थ्योरी में नहीं क्लियर हो रहा है ना, तो यहाँ पे उसी ऑपरेशन का मतलब प्रोग्राम चला के उसका डाउट क्लियर हो जाता है। तो मैं भी 2021 में आया हूँ 2018 मिस करने के बाद, और मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर कोई भी इस वीडियो को अदरवाइज बंदे देख रहे होंगे, मुझे भी देख रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ 2018 मिस करके अगर मैं 2021 आया हूँ, बहुत मतलब उत्सुक होंगे इस चीज को देखने के बाद कि हम भी जाएं, तो वो मिस ना करें, उनके पास टाइम है, ना ज्यादा सोचें ना ज्यादा समझें, और CNC बेसिक संतोष यादव को फॉलो करें, और मैं भी जैसे फॉलो कर रहा था, और बहुत अच्छा मौका है इस टाइम सीखने का, और जो मिस हो गया इससे आगे शायद ना हो पाए।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत यादव जी। आई एम मिस्टर आसिफ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आसिफ आलम, आई एम फ्रॉम बिहार। मैंने डिप्लोमा किया है भोपाल से, और मैंने उसके बाद डिप्लोमा के बाद मैंने जॉब किया 6 मंथ सीएनसी में, ऑपरेटिंग किया। तो मुझे लगा जो ऑपरेटिंग कर ही लेते हैं तो फिर अब चलते हैं प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो फिर इनका यूट्यूब चैनल देखा मैंने, तो बहुत अच्छा लगा और डीपली नॉलेज भी मिल रहा था, तो मैंने इनको फॉलो किया और उसके बाद कॉल करके और इनके पास आया। तो अच्छा पढ़ाई चल रहा है और प्रैक्टिकली भी नॉलेज मिल रहा है अच्छा सा। तो आप लोग आना चाहते हैं तो आइए, बहुत मोस्ट वेलकम। यहाँ पे आप भी हॉस्टल में रुके हुए हैं ना? यस। तो हॉस्टल की फैसिलिटी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हॉस्टल का फैसिलिटी अच्छा है, बहुत अच्छा है, रहने खाने का अच्छा है और खाना भी बेस्ट मिल रहा है, बढ़िया है हॉस्टल का फैसिलिटी। और आसपास में अच्छा सा मार्केट है और दुकान है, मेडिकल है, सब फैसिलिटी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सब हो गए ना दोस्तों? इस बैच में जो है हमारे जो स्टूडेंट हैं अभी यही आए हुए हैं, क्योंकि बीच में होली भी है, फेस्टिवल आ गया बीच में, तो काफ़ी सारे जो बच्चे थे अब वो होली के बाद आ पाएंगे। तो अभी जो है यहाँ पे जो है 13-14 बच्चे हैं, एक दो बच्चे अभी यहाँ पे जो है लंच करने गए हैं, बाहर गए हुए हैं। तो हमारी यही गैदरिंग है, मैंने शुरू से कहा कि बैच में है हमारी जो स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है हम ज़्यादा नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे तो क्या है, सबको समझने का मौका नहीं मिलेगा, बच्चों को पूछने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हम बैचेस को क्या है, एक लिमिटेड सीट से बैचेस में, तो उस हिसाब से हम स्टूडेंट को बुलाते हैं। अगर आप आना चाहते हैं इस बैचेस के अंदर तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब जो अगला बैच है वो 5 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों? तो हर तरीके की फैसिलिटी है यहाँ पे सीखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मुझे मशीन पर जाकर प्रैक्टिकल करके सीखना है, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। 2 CNC टेंडिंग मशीन है हमारे पे और दोनों पे फानुक कंट्रोलर है। मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा आपको फानुक कंट्रोलर मिलेगा। अगर आपको फानुक की नॉलेज हो गई तो आप इवन कुछ टाइम बाद सीमेंस भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीमेंस के लिए सीमेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या, सीमेंस मार्केट में थोड़ा कम है, तो ज्यादा जो बच्चों का, जो ज्यादा स्टूडेंट का जो सीखने का ज्यादा जो फोर्स होता है वो फानुक पे ही होता है, और आपको यहाँ पे फानुक मिलता है, ठीक है दोस्तों? अब मैं इन शब्दों के समझो आपसे विदा चाहूंगा और मैं अगले वीडियो में आऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा नए नए स्टूडेंट के रिव्यूज दिखाऊंगा, उनका कैसा एक्सपीरियंस है, उन्होंने यहाँ से क्या क्या सीखा है, ठीक है दोस्तों? ओके, बाय, थैंक यू सो मच।